नारायण 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 वदरे नारायण 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 बोले वदरे विशाल भगवान के त्रिवेणी माधव भगवान के श्री हनुमान जी महाराज के सनातन धर्म के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आप लोग सावधान चित्त होकर शांति का दान देते हुए भगवान की मंगलमय कथा सुधा का पान करें। सज्जनों, आइए थोड़ी देर के लिए चलते हैं जहां ये कथा चल रही है। यूं तो जैसा कि आपको विदित है कि राम कथा चार स्थानों पर निरंतर चल रही है। तीन स्थल में एक श्रोता और एक वक्ता है और चौथा स्थल जो है संतों के मध्य कथा चल रही है और सुनने वाला सारा समाज है। करूं कथा संसार हित, जगत कल्याण के लिए। तो जहां एक कथा चल रही है मन से चलें, शरीर से यहां कैलाश पर्वत के उच्चतम शुभ्र शिखर पर काले मृग शर्म के ऊपर शरीर में श्मशान की विभूति, मस्तक में त्रिपुंड, उसके ऊपर स्वर्णिम सी जटाएं, जटाओं के मधु द्वितीया का चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर कलकल निनाद करती हुई श्री गंगा जी, एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल विद्यमान है। ऐसे दिव्य भव्य रूप में भगवान महादेव विराजमान है। प्रातःकाल का समय है, अच्छा अवसर देकर माता पार्वती आई हैं, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, हे नाथ, अब जगत कल्याण के लिए और मेरे मोह और भ्रम को दूर करने के लिए मुझे भगवान की मंगलमय कथा सुधा का पान कराएं। नारायण यही चर्चा शिव जी पार्वती से करते हैं और यही कथा आचार्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संसार के कल्याण के लिए करते हैं। कथा प्रारंभ हुई, शिव जी ने हृदय में राम रूप का स्मरण किया और मुख्य भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। देवी सावधान चित होकर श्रवण करो। आचार्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आज का जो चरित्र है बड़ा विलक्षण है। सती मरत हरि सन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर में भगवान महादेव के चरणों में प्रीति हो, ऐसे अंतिम समय में इच्छा व्यक्त किया है। नारायण, मृत्यु के अंतिम समय में जो मेरे मन में होता है निश्चित रूप से वही मेरे जीवन में अगले योनि में मुझे प्राप्त होता है। कई उदाहरण है इसके, आपने सुना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में महाराज जड़ भरत की कथा को अंतिम समय उन्होंने एक मृग में उनकी आसक्ति हो गई थी और अंततोगत्वा अगले जन्म में उन्हें मृग होना पड़ा। तो हम जैसी इच्छा व्यक्त करते हैं वही मुझे मिल जाता है। इसलिए संत जन ऋषि जन महापुरुषों का यह कथन है कि जीवन के अंतिम समय में रोज अभ्यास करो भगवान नाम का, और मृत्यु के समय यदि भगवान का नाम मुख में आ गया तो निश्चित रूप से आपको गति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन नारायण इतना आसान नहीं है। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा, अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आएगा क्या? कहा, संसार में रहने वाले वे लोग जो नित्य निरंतर संसार में अपने मन को लगाए हुए हैं, कभी कभार भगवान के मुंह से नाम निकल जाए तो ठीक है, उनकी बात तो क्या कहें। जो जन्म जन्मांतर से भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी अंतिम समय में उनके मुख से भगवान का नाम निकलता नहीं है। इसलिए रोज जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, हो सकता है एक समय अंतिम समय में भगवान नाम उसमें आ जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। सज्जनों, तो आज ये कथा चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंतिम समय में सती ने जो वरदान मांगा, परिणाम स्वरूप हिमांचल के घर उनका जन्म हुआ, नाम हुआ पार्वती, बाद में उमा। बड़ी जब तपस्या किया तो नारायण उनका नाम उमा भी जाना गया और अपर्णा के नाम से भी उन्हें जाना गया है। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम। बोले उद्यानाथ भगवान की। तो नारायण में चर्चा कर रहा था, माता मैना और हिमांचल ने प्रश्न किया था, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सारी घटना का वर्णन किया और अंत में उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया, योगी जटिल यकाम मन, नगनय मंगल वेश, अस स्वामी यही कामिले, पड़ी हस्त अस रेख। माता पिता को यद्यपि दुख हुआ, लेकिन माता पार्वती प्रसन्न हुई। ये जो भी लक्षण बताए रहे गए हैं, ये सारे के सारे हमारे शिव जी के हैं। बाद में नारद जी का आदेश हुआ है, माता पार्वती तप करने के लिए गई है नारायण, और बहुत दिवस तक उन्होंने तप किया है, हजारों वर्षों तक, हजारों संवत्सर बीत गए। कुछ दिन भोजन किया, कुछ दिन जल पी कर रहे, कुछ दिन वायु पी करके रही, बाद में कुछ दिवस तक बेल पत्र को ग्रहण करके जीवन यापन किया और अंत तो गत्वा तपस्या पूर्ण हुई। आकाश से आकाशवाणी हुई और भगवान ने आदेश किया, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है और आज नारायण उनके पास, इधर भगवान महादेव समाधि में है, समाधि से जब बाहर निकले हैं तो उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया, राम जी प्रकट हुए और राम जी से ने आदेश किया है, हे महादेव अब बहुत समय हो गया है, जाहि बियाहो सैल जही, अब जा करके
पार्वती के साथ विवाह करो। सज्जनों, राम जी ने आज्ञा किया है, शिव जी ने इस पर विचार किया। चलते चलते राम जी ने कहा कि सप्तऋषि आएंगे प्रेम परीक्षा लेने के लिए, और इसके बाद भगवान की कृपा से आज भगवान महादेव के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ विवाह के लिए। ठीक उसी समय सप्तऋषियों का आगमन हुआ। भगवान की वाणी सत्य हुई, कथा थोड़ा जल्दी करेंगे। और अंततो गत्वा इसी बीच भगवान महादेव की परीक्षा लेने के लिए कामदेव भी आया।